In the name of Almighty, the Most Merciful and Beneficent, I'm your teacher, mentor, brother, or whatever you want to call me, Abdurrahman Arif. और आज हम लोग अकाउंटिंग की जर्नल एंट्री के हवाले से क्वेश्चन करेंगे, जो कि विच इज़ द मोस्ट इंटेग्रल पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम और मोस्ट बेसिक पार्ट भी है. जब हम लोगों ने अकाउंटिंग को डिफाइन किया था, हम लोगों ने ये कहा था कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन. तो उसका जो पहला पार्ट था, दैट वॉज रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग जो हम लोग करते हैं, वो हम लोग एक फॉर्मेट के अंदर करते हैं, जिसको हम लोग जर्नल कहते हैं. और उस जर्नल को बनाने के लिए, उस जर्नल के अंदर हम लोगों ने दो किस्म के खाने रखे हैं अमाउंट्स को लिखने के लिए, और उन दो खानों को हम लोग कहते हैं डेबिट और क्रेडिट. एक चीज़ डेबिट होती है, दूसरी चीज़ क्रेडिट होती है. हर ट्रांजैक्शन के दो इफ़ेक्ट्स को नोट करेंगे. ट्रांजैक्शन आप समझते हैं बिजनेस का कोई भी लेन देन, जैसे हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में भी करते आए. कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई चीज़ खरीदी है, फर्नीचर ख़रीदा है, चीज़ें बेची हैं, कोई एक्सपेंस पे किया है, कोई भी इस तरह की चीज़ जो बिज़नेस का लेन देन होता है, उसको हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं. इसके अंदर भी हमारे पास ट्रांजैक्शन गिवन होगी, हम लोगों ने उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है जर्नल के अंदर. जर्नल वो बुक है जिसके अंदर हम लोग डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं. जर्नल को जिसमें हम डेली बेसिस पे अपनी ट्रांजैक्शंस को नोट कर रहे होते हैं, दैट इज़ जर्नल. अब जर्नल के अंदर जाने के लिए, अब किस चीज़ को हम लोगों ने डेबिट में डालना है, किस चीज़ को हम लोगों ने क्रेडिट में डालना है, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है. और इसमें थोड़ा सा आप फोकस करेंगे तो आपको ये आ जाएगा, लेकिन इसके लिए इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेक्चर नंबर 3 है. इसी प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है. अगर आपको उसमें से कुछ भी मिसिंग है तो आप दोबारा जाइए और लेक्चर नंबर 3 को सुनिए. उसके बाद हम नेक्स्ट शुरू करते हैं. अब हम लोगों ने जो मॉडर्न अमेरिकन अप्रोच की बात की थी, उसमें जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स थे वो 6 थे. उन 6 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में से हमने 3 को अलहदा कर लिया और 3 को अलहदा कर लिया. अब जो 3 अलहदा किए, यहाँ पे हमारे पास एसेट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं एंड ड्रॉइंग्स हैं. जो एसेट्स होते हैं, उसको हम एसेट्स में हमारे पास लैंड बिल्डिंग फर्नीचर व्हीकल, कोई भी गाड़ी, कोई भी चीज़ बिजनेस की, कैश, बैंक अकाउंट, डेटर्स जिनसे पैसे लेने, ये सारे के सारे लोग हमारे एसेट्स में आते हैं. ये सारी की सारी चीज़ें हमारे एसेट्स में आती हैं. एसेट्स का पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या होते हैं. फिर आगे एक्सपेंसेस, जो बिजनेस के अखराजात होते हैं, उनमें हमारे पास वेजेस एक्सपेंस आ गया, सैलरी एक्सपेंस आ गया, रेंट एक्सपेंस आ गया, रिपेयर्स एक्सपेंस आ गया. देर आर सो मैनी एक्सपेंसेस. वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो छोटे मोटे अखराजात हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल के समेत, यूटिलिटी एक्सपेंसेस यानी इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, बिल्स, यूटिलिटी बिल्स जो होते हैं, टेलीफोन का बिल हो गया और वाटर का बिल हो गया, इस तरह से सो ऑन. ये सब के सब एक्सपेंसेस हैं. ये वो चीज़ें. और ड्राइंग्स या विड्रॉल्स क्या चीज़ें हैं, जो के पैसे ओनर अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए या चीज़ें अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस से निकाल कर ले जाता है, उनको हम कहते हैं ड्राइंग्स. ये जो 3 चीज़ों ने अपना सेपरेट एक सेटअप क्रिएट किया है, ये 3 चीज़ें जब भी ट्रांजैक्शन के अंदर इनमें से किसी चीज़ में इजाफा होगा, इन तीनों में से किसी भी चीज़ में इजाफा होगा, तो आप उसको क्या करेंगे, ये इजाफा है, आप उसको डेबिट में लिख देंगे. ये जो 3 चीज़ें हैं, एसेट्स, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स, ये जब भी बढ़ेंगे हम इनको कहाँ पर लिखेंगे, डेबिट में. डेबिट का मैंने शॉर्ट करके लिखा है, डेबिट, DEBIT होता है, ये वाली स्पेलिंग है उसके. तो हम उन सबको डेबिट कर देंगे. और अगर इन 3 चीज़ों में से किसी एक में भी कमी होती है, तो हम इनको क्या कर देंगे, क्रेडिट. इनमें से कुछ भी बढ़ता है, आपने उसको किस खाने में लिखना है, उसकी अमाउंट को डेबिट में. इनमें से कुछ भी कम होता है ट्रांजेक्शन के अंदर, आपने उसको किस खाने में लिखना है, क्रेडिट के, अगर कुछ भी कम होता है. ये चीज़ आपने याद रखनी है. और फिर हम बात करते हैं इसके उलट, जो सेपरेट 3 लोग हैं, वो है लायबिलिटीज़, रेवेन्यूज़ और कैपिटल. लायबिलिटीज़ वो चीज़ें हैं, लायबिलिटीज़ में बिज़नेस के वो जिम्मेदारियां हैं जो हमने लोगों के पैसे वगैरह देने, जो आपने लोगों को पैसे देने हैं, दोज आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो आपके बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. वो कौन है, क्रेडिटर्स हो सकते हैं जिनको आपने पैसे देने,
इस तरह से अकाउंट पेबल्स हो सकते हैं जिनको आपने पैसे, जिनके बिहाफ पे आपने पैसे अदा करने हैं, कारोबार ने लोगों के पैसे देने, मतलब मिसाल के तौर पे उधार पे चीज़ें ली हैं तो आपने जो पैसे देने, दैट इज़ योर लायबिलिटी। इसी तरह से नेक्स्ट है जी आपके पास रेवेन्यूज़। रेवेन्यूज़ की जब आप बात करते हैं तो इसका जो भी पैसे आपने अर्न किए, कमाए, वो सेल्स हो सकती हैं, वो कमीशन हो सकता है, इस तरह से सो ऑन, ये सारे के सारे आपके रेवेन्यूज़, या डिस्काउंट रिसीव्ड हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो सकता है, ये सारे रेवेन्यूज़ एक्सपेंस का ही उलट होता है। देन कैपिटल आ गया, एनीथिंग इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। ये हम लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं। इन तीनों चीज़ों में से जब किसी चीज़ में, एक ट्रांजेक्शन के अंदर किसी चीज़ में इजाफा दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, तो आपने इसको उलट कर देना है, यानी कि आपने इसको कहाँ पे लिखना है, किस खाने में लिखना है, क्रेडिट के खाने में। और अगर इन तीन चीज़ों में से किसी में कमी वाक्य होती है तो आपने उस कमी को कहाँ पे लिखना है, डेबिट में। ये चीज़ आपके लिए इंटेग्रल है, मेन है, जो कि जर्नल एंट्री को करने में मदद देगी। सिंपल सी बात है, उन छह चीज़ों में से आपके पास एसेट्स है, एक्सपेंसेस है और ड्राइंग्स हैं। जब भी ये बढ़ेंगे इसको किस खाने में लिखना है, डेबिट में, और जब भी ये कम होंगे इनको किस खाने में लिखना है, क्रेडिट में। और जो बाकी तीन रह गए, जो कि हमारे पास लायबिलिटीज और कैपिटल है और रेवेन्यूज है, जब भी इन तीन चीज़ों में इजाफा होगा इनको हम लोग क्रेडिट करेंगे, इनके उलट। और फिर जब भी इन तीन चीज़ों में से किसी में कमी होगी तो इनको हम क्या करेंगे, डेबिट। इस चीज़ को आप लोगों ने पक्का याद करना है। जब तक आप इसको पक्का याद नहीं कर लेते आप जर्नल एंट्री बनाने के काबिल नहीं हो सकते। इसको आपको पक्का याद होना चाहिए, एसेट्स, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स। जब भी ये बढ़ेंगे डेबिट होंगे, डेबिट में लिखेंगे, डेबिट के खाने में इनकी अमाउंट्स को लिखा जाएगा। जब भी ये कम होंगे इनकी अमाउंट्स को हम लोग क्रेडिट के खाने में लिखेंगे। इसके बरक्स लायबिलिटीज़, रेवेन्यूज़ और कैपिटल, ये तीनों चीज़ें जब भी बढ़ेंगी हम लोग इनको बिजनेस के अंदर, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रांजेक्शन के अंदर जब भी ये बढ़ेंगी हम इनको क्रेडिट कर देंगे। इन तीनों चीज़ों में जब भी कमी होगी हम इनको डेबिट के खाने में इनकी अमाउंट को दर्ज कर देंगे। ये हमारे पास जर्नल है। जर्नल का फॉर्मेट मैं इसमें बता रहा हूँ और फिर जर्नल के हवाले से जो प्रैक्टिस है वो इंशाल्लाह आगे हम बाद में करेंगे। जर्नल के फॉर्मेट के अंदर आपके पास सिंपली एक आपने डेट लिख दिया, पर्टिकुलर्स लिख दिया, जिसमें आप किसी भी चीज़ के डिस्क्रिप्शन डिटेल लिखते हैं, वो जब हम लिखेंगे आपको बताएंगे। और फिर आप लोगों ने LF लेजर फोलियो होता है, ये रेफरेंस के लिए होता है, इसके अंदर आपने लिखना कुछ भी नहीं है, बस LF आप अपने माइंड में रखें, ये आपने खाना बनाना है। और ये वो डेबिट है जिसके अंदर हम लोगों ने अमाउंट लिखनी होती है, और ये वो क्रेडिट है जिसके अंदर हम लोगों ने अमाउंट लिखनी होती है। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक डिटेल्ड जो है वो क्वेश्चन करेंगे। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं, एसेट की बात करते हैं, परचेज्ड फर्नीचर फॉर 20,000, 20,000 का हम लोगों ने फर्नीचर ख़रीदा है। अब हमें इस ट्रांजेक्शन को समझना है, बिजनेस में क्या आया है, फर्नीचर। फर्नीचर हमारा एसेट है। हमने ये कहा था जिस भी चीज़ में, जब भी एसेट में इजाफा होगा हमने इसको कहाँ पे लिखना है, डेबिट में। तो डेट यहाँ मेंशन कर देंगे, फर्स्ट डेट आ गई हमारे पास, हमने ख़रीदा क्या है जी, फर्नीचर। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट मेंशन कर देंगे। और फर्नीचर हमारा एसेट है, बिजनेस के अंदर आ गया ना, फर्नीचर ख़रीदा आपने, आ गया बिजनेस के अंदर, बढ़ गया, यानी कि एसेट, फर्नीचर एसेट है, वो बढ़ रहा है, तो हम उसको कहाँ पे लिखते हैं, डेबिट में। तो हम फर्नीचर की जो अमाउंट है उसको डेबिट में लिख देंगे, 2,00,000। तो जब भी कोई बंदा आकर देखेगा कि फर्नीचर जो है वो डेबिट हो रहा है 2,00,000 से, वो समझ जाएगा कि बिजनेस के अंदर फर्नीचर का इजाफा हो रहा है। और ऑन द अदर हैंड जब हमने 2,00,000 का फर्नीचर ख़रीदा है तो मुफ्त में तो कोई नहीं देगा, हमें उसके अगेंस्ट कैश देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। तो जब हम कैश देंगे तो हम कैश को यहां पे लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। तो जब आप टू कैश अकाउंट लिखते हैं, कैश अकाउंट, अब आपसे कैश, डेफिनेटली कैश क्या चीज है, कैश हमारा एसेट है। एसेट जब कम होता है, एसेट्स याद है ना आपको, आपको याद होना चाहिए एसेट्स के अंदर क्या क्या है। फर्नीचर भी एसेट्स में आता है, फर्नीचर में जब इजाफा हुआ, यानी एसेट में इजाफा हुआ, हमने उसको डेबिट में लिखा। इसी एंट्री के अंदर कैश में कमी हो रही है, और कैश क्या चीज़ है, वो भी एसेट है। तो जब एसेट में कमी हो रही हो तो आप लोग एसेट में जब कमी होती है उसको कहाँ मेंशन कर रहे हैं, क्रेडिट में। तो हम लोग इस कैश को, टू कैश अकाउंट, इसको हम क्रेडिट में मेंशन कर देंगे यहाँ पे,
200,000 से। ये हमारे पास पहली एंट्री जो है वो मुकम्मल हुई। इस तरह से हम लोग इनकी एंट्रीज पास करेंगे, क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है, हर ट्रांजेक्शन के डुअल इफेक्ट को हम लोगों ने, डबल इफेक्ट को हम लोगों ने पहचाना है। ये जर्नल है, इसकी नेक्स्ट जो लेक्चर हम लोग करेंगे उसके अंदर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।